मैं अभी तक उस बात से अनजान था कि रात को मेरे साथ क्या होने वाला है। बस फिर हमारा प्लान जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, बट मैगी खाने का जैसे हम टेंट में आए तो हमने सोचा कि थोड़ा सा एक नैप ले लेते हैं, पावर नैप ले लेते हैं। तो उसके बाद जो सोए हैं भाई, फिर उठना ही कहाँ था, ऑब्वियसली उतना लंबा ट्रैक करके आए थे और यू नो कहाँ से दिल्ली से बस से बैक टू बैक सफ़र करके आ रहे हैं वो भी नीचे ज़मीन में बैठ के। तो बस फिर सो गए, नींद आई पता नहीं चला। उसके बाद सीधे मेरी नींद खुली तकरीबन 2 बजे, रात का करीब 2 बज रहा था शायद, मैंने मोबाइल पर देखा था। और वो भी मेरी नींद तब खुली जब मेरे बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा, मतलब मेरा हेडेक होने लगा बहुत तेज का। तो मैं उठा और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया। मैंने सोचा कि बाद गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो भाई पूछो मत जो हालत हो रही की थी। मतलब वो हेडेक भी ना एक अलग तरीके का हेडेक था, मतलब वो नॉर्मल हेडेक नहीं था, उसमें ना मेरे सर की सारी नसें मुझे फील हो रही थी। मतलब सारा मैं एहसास कर पा रहा था कि कितनी नसें हैं, पूरी नसें फील हो रही थी और पूरा यू नो सिस्टम सर का मैं महसूस कर पा रहा था। तो एक अलग ही तरह का हेडेक था, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, बट ठीक है मैंने थोड़ा गर्म पानी पिया और फिर से दोबारा सोने की कोशिश करी, बट नींद कहाँ आनी थी। बस फिर उसके बाद आँख बंद करके मैं कभी हवा की आवाज़ सुनता और कभी बाहर किसी जानवर की आवाज़ सुनता। फिर थोड़ी देर में मैंने रियलाइज़ किया कि यार मनोज भी थोड़ा हिलडुल रहा है। तो मैंने उससे पूछा हल्के से कि भाई उठाया क्या, तो बोला कि यार हाँ यार नींद नहीं आ रही है, सर थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ी कॉमन है, उसको भी हो रहा है मुझे भी हो रहा है, हो सकता है हाई एल्टीट्यूड में की प्रॉब्लम है। बट वो बहुत खतरनाक चीज़ थी भाई, पहले बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल हेडेक था तुमने डिस्प्रिन खाया और ठीक हो गया, वो थोड़ा अलग लेवल का था। तो ठीक तो नहीं हुआ, फिर काफ़ी देर तक हम ऐसी लेटे रहे और उसके बाद कुछ देर तक के बाद शायद मुझे नींद आ गई। और फिर जब दोबारा मेरी नींद खुली वो तकरीबन 5 बजे करीब सुबह की खुली थी। तो मैंने देखा मनोज अपने स्लीपिंग बैग में नहीं है, उसका स्लीपिंग बैग खुला हुआ है। तो मैं तुरंत बाहर निकल के झाँका तो वो वॉक कर रहा था। तो जैसे ही मैं झाँका तो मानो कि मैं उठा ही था और उसने बोला कि भाई तैयार हो जा, लेक के लिए चल रहे हैं। तो मैंने बोला बात भी सही है, हमारे पास टाइम की भी कमी है, बिकॉज़ हमें उसी टाइम वापसी भी सेम डे करनी थी। तो ठीक है, तो मैंने बोला ओके। तो मैं रेडी हो गया और वहाँ पे मुंह धोने का तो कोई सीन होता ही नहीं है, पहले बता दूँ। मतलब इतना ठंडा होता है, मुंह तो छोड़ो आप कुछ नहीं धोगे। तो बस फिर हम निकल गए वहाँ से सुबह सुबह। अब वहाँ से ना चंद्रताल लेक जाने के 2 रास्ते हैं, मतलब वो कैंप जो एरिया है कैंप साइड वाला, वहाँ से भी 2 रास्ते हैं। एक तो कि आप रोड से चले जाओ, वहाँ पे रोड बनी हुई प्रॉपर, 4 व्हीलर जाती है पूरी वहाँ पे, ऐसी रोड है। तो एक तो है कि आप रोड बाई रोड निकल जाओ, या एक है कि आप ट्रेल से होते हुए जाओ, एक माउंटेन्स से ऊपर से होते हुए ट्रेल जाती है, वहाँ से होते हुए जाओ। 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता जो रोड बाई रोड आ रहा है इससे आप ट्रैक करते हुए चंद्रताल जा सकते हो। दूसरा रास्ता है इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए पहाड़ियों को पार करते हुए। सो गाइस ये है अपना टेंट। तो भाई मनोज को ट्रेल से होते हुए जाना था, ट्रैकिंग करनी थी, और मुझे भी ऊपर व्यूज देखने थे हिमालयस के बढ़िया से। तो मैंने बोला ठीक है यहाँ से चलते हैं, हम ब्लॉगिंग करते हुए निकल गए वहाँ से। अब भाई ठीक है, हम लोग पहुँचे, बहुत ठंड हो रही थी, मैंने ब्लॉगिंग वगैरह करी और हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत थक भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, अपना बढ़िया चल रहा था। कल रात में इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पूरा एग्जॉस्ट हो गए थे, प्लस मुझे कोल्ड भी लग गया था। तो खाना खाने के बाद जैसे ही हम टेंट पे गए पता ही नहीं लगा कब नींद आई। और अभी हम अर्ली मॉर्निंग सीधे उठ के, जैसे ही हमारी नींद खुली है, हम लोग सीधे चंद्रताल के ट्रैक के लिए आ गए हैं। काफ़ी अमेजिंग व्यू है, थोड़ी सी चढ़ाई है और थोड़ा सा आपको मुश्किल होने वाली है, बट जब आप यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाते हो तो वो सारी मुश्किल एक साइड और ये अमेजिंग व्यू एक साइड। तो कुछ देर बाद ना, कुछ देर क्या, इनफैक्ट कुछ घंटों बाद, शायद एक आध घंटा हो गया होगा मैं चलते चलते, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ता तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मतलब कुछ ऐसा हो गया था जैसे होता ना ट्रेल्स जा रही हैं तो ट्रेल्स दिखती हैं कि ये रास्ता जा रहा है, बट एक टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो ट्रेल्स ही नहीं दिख रही थी। मतलब हम एक अपने अंदाजे से जाने लग गए थे, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये हो क्या रहा है, और ना कोई है वहाँ रास्ते में, मतलब कोई नहीं है वहाँ, आपको सिर्फ पंछी भी नहीं दिख रहे थे, मतलब ऐसी हालत थी। तो बट मनोज भाई कॉन्फिडेंस में कि नहीं भाई हम सही जा रहे हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिविटी लेते हुए कि नहीं हम सही जा रहे हैं, हम आगे बढ़ गए। ठीक है हमने बोला, यार मैंने बोला ठीक है भाई, को इतना कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा और जाके देख लेते हैं कितना आगे है, नहीं तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस निकल लेंगे। तो हम थोड़ा और आगे निकल गए। थोड़ा और आगे निकलने के बाद हम लोग एक जगह पर बैठे और दोनों सुनसान, एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं कि यार, और फिर इधर उधर भी देख रहे हैं कि कोई दिख जाए, क्या पता कोई ट्रैकिंग करते हुए दिख जाए।
तो हमने फिर सोचा यार कि शायद लगता है कि हम भटक गए हैं, और भैया रास्ता कोई ना पीछे का रास्ता दिख रहा है ना आगे का रास्ता दिख रहा है। फिर मैंने हल्का सा एक हिट एंड ट्रायल मारा, मैंने सोचा क्या पता नेटवर्क हुआ, हालांकि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई नेटवर्क नहीं। तो मैंने मोबाइल निकाला और नेटवर्क देखने के लिए देखा, ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं था। उफ, फिर होना क्या था, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि यार मैप खोल के देखता हूँ। तो लग बाई चांद, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब भगवान की ऐसी कृपा रही कि बिकॉज जब हम वहाँ से बस से आ रहे थे ना, तो मैं बार बार मैप खोल के देख रहा था कि कितना दूर रह गया है, कितना रह गया है, कितना रह गया है। इनफैक्ट जब हम ट्रैकिंग भी कर रहे थे तो कभी कभी मैं मैप खोल के देख रहा था कि कितना रह गया है। तो उस वजह से ना वो होता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ मैप जगहों को स्टोर कर लेता है। तो जैसे ही मैंने मैप खोला, लग बाई चांस वो सारी प्लेसेस जो थे हमारे आसपास के वो स्टोर थे। तो मैंने उस मैप में फटाफट जूम करके देखा लेक कहाँ पर है, तो लेक दिख गई। फिर मैंने फटाक से जीपीएस खोला, लोकेशन खोली अपनी, और देखा कि हम कहाँ पर हैं। तो भगवान की कृपा से हम ज़्यादा आगे नहीं गए थे, हम थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चले गए थे, बट हम आसपास ही थे। तो हमने फिर उस मैप के सहारे जैसे तैसे करके फॉलो करते करते लेक तक पहुँच गए। लॉन्ग ट्रैक फाइनली, लेक इज जस्ट फ्रंट ऑफ मी, और पूरी पहाड़ियों, बर्फ की पहाड़ियों से घिरी हुई है। Amazing view है। तो वो एक एक्सपीरियंस जो था हमारा, वो बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। और जब हम चंताल पहुँचे, ट्रूली मतलब यार मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैं सब कुछ भूल गया जो मेरे साथ हुआ था। इतना सुंदर है ना वहाँ पे, मतलब आप देखो, अमेजिंग, एक अलग तरह की फीलिंग आती है, और बहुत ही शांत। और पता, अच्छी बात कहती है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे और वहाँ पर जैसी सनराइज हुआ, इतना सुंदर व्यू था, मतलब हम तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अलग ही तरह की वाइब्स हैं वहाँ पे, सीरियसली। और काफ़ी हमने इंजॉय किया, हम पूरा हमने ऐसे करके घूमे, चक्कर लगाया, और थोड़ी सी वीडियो बनाई, व्लॉगिंग मैंने करी। चंद्रताल लेक, एज यू कैन सी, कहते हैं कि इसका जो शेप है वो मून की तरह, इसलिए इसे मून लेक कहते हैं। और ये भी सुना जाता है कि इस लेक का पानी सीधे चंद्र नदी में जाता है, तो इसलिए इसे चंद्रताल कहते हैं। और काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है, चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में लेक है, बड़ा मस्त लग रहा है। उस पहाड़ पे अभी धूप आ गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है बर्फ़ चमकते हुए। और ये लेक वहीं से स्टार्ट होती है, उस कोने से स्टार्ट होती है, और वो ये यहाँ तक पूरी फैली हुई है। काफ़ी अच्छा माहौल है, शांति, आप मेडिटेशन कर सकते हो यहाँ पे। फाइनली हमें कुछ धूप देखने को मिली और अच्छा लग रहा है। काफ़ी धूप जब चेहरे पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। सीरियसली मैन, बहुत ठंड थी, सीरियसली हाथ जम गए थे पूरे, ग्लव्स डालना मैं भूल गया था हम लोग। तो फिर उसी दिन हम लोग वहाँ से दिन में वापस आ गए, और हमने दिन में लंच वगैरह किया वेंडर के वहाँ पे, और उसी ने हमें लिफ्ट भी दे दी चाचा चाची के ढाबे तक, और वहाँ से फिर हम बस लेके मनाली वापसी आ गए। तो घर पहुँच के ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं नहाने के लिए अपने वॉशरूम में गया, तो जैसे मैं नहा रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कानों से ना ब्लीडिंग हुई थी, बिकॉज वो जो रेड 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 थक्के से जम जाते हैं ना खून के, तो वो मैंने रियलाइज़ किया कान से निकल रहे हैं मेरे। तो आई थॉट कि यार मैंने अपनी बॉडी को क्या बना दिया है, ना मैं चल पा रहा हूँ और ना मेरी बॉडी ऐसी हाई एल्टीट्यूड में ऐसी हालत ख़राब हो जा रही है। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हमने क्या मिस्टेक्स करी वहाँ जाने से पहले। पहली चीज़, हम प्रिपेयर नहीं थे, हमने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था, बिकॉज कभी भी अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह में जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से प्लान करना होता है और अपनी बॉडी को एक्यूमुलेट करना पड़ता है किसी एक दिन हाई एल्टीट्यूड, उससे नीचे थोड़े से कम एल्टीट्यूड की जगह पर रह के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो तो आपको मनाली में एक दिन स्टे कर लेना चाहिए ताकि बॉडी आपकी एक्यूमुलेट हो जाए, और थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है, हम ध्यान में नहीं देते हैं, जो जो उसमें भूल जाते हैं और आगे जाके काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले वीडियो को, और कुछ भी क्वेरीज या सजेशंस हैं या आपको कैसी लगी वीडियो या ये स्टोरी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।